यस, वेलकम टू आकांक्षा कॉन्वेंट स्कूल। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड। आज अपन चलेंगे, क्लास फोर्थ है ये बच्चा, है ना? क्लास फोर्थ, चैप्टर अपने कौन सा चल रहा है? वन। चैप्टर वन के अंदर मैंने आपको क्या क्या करवाया पता है आपको? क्वेश्चन नंबर वन तक करवा दिए, सूर्योदय वाला चैप्टर क्वेश्चन वन तक कंप्लीट करा दिया। आज अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन सेकंड क्या है देखिए, क्वेश्चन सेकंड है आपके हलचल जग में मच जाती है। क्वेश्चन वन कंप्लीट कर लिया सब बच्चों ने? यस। क्वेश्चन सेकंड देखो, क्वेश्चन सेकंड लिख रही हूँ मैं, फर्स्ट कंप्लीट करवा दिया मैंने। हलचल, हलचल जग में मच जाती है, हलचल जग में मच जाती, हलचल जग में मच जाती है, पंक्ति से क्या तात्पर्य है? पंक्ति से क्या तात्पर्य है? पंक्ति से क्या तात्पर्य है? फर्स्ट क्वेश्चन है ये, सॉरी सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिया है, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके? ये हलचल जग में मच जाती है, इसका क्या तात्पर्य है, इसका अर्थ क्या है? तो आपको क्या लगना है, हलचल जग में मच जाती है, हलचल जग में मच जाती आंसर लिखा रही हूँ बेटा मैं, हलचल जग में मच जाती है। पंक्ति का यह तात्पर्य है कि पंक्ति का यह तात्पर्य है कि आंसर लिख रही हूँ नीट एंड क्लीन ढंग से लिखने है। पंक्ति का यह तात्पर्य है कि संसार के लोग खुश होकर, सारे संसार के लोग खुश होकर, संसार के लोग खुश होकर सभी अपने कार्यों में लग जाते हैं, संसार के लोग खुश होकर सभी अपने कार्यों में लग जाते हैं, संसार के लोग खुश होकर सभी अपने कार्यों में लग जाते हैं। जो जग में है ना संसार, जग का मतलब संसार, संसार में रहने वाले सभी लोग अपने अपने कार्य में लग जाते हैं और आलस्य को दूर भगाकर उल्लास के साथ, आलस्य मतलब सुस्ती, आलस्य को दूर भगाकर उल्लास के साथ, उल्लास का मतलब स्फूर्ति है ना, उल्लास के साथ ईश्वर के गुण गाने लग जाते हैं। समझ आया बेटा फर्स्ट आंसर? हलचल जग में मच जाती है, पंक्ति का यह तात्पर्य कि संसार के लोग खुश होकर सभी अपने कार्यों में लग जाते हैं और आलस्य को दूर भगाकर उल्लास के साथ ईश्वर के गुण गाने लग जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, फर्स्ट बोले तो सेकंड, आज की वीडियो का तो फर्स्ट है, वैसे अपने का क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है अपने,
सूर्योदय से आपको क्या क्या लाभ है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सूर्योदय से आपको क्या क्या लाभ है। यह तो आपको पता होना चाहिए, चैप्टर पूरा पढ़ा है अपने को। सूर्योदय से हमें कई तरह के लाभ है, बहुत सारे लाभ होते हैं सूर्योदय से। सूर्योदय से हमें कई तरह के लाभ है। बताओ क्या क्या लाभ है। सूर्य किरणों से हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, सूर्य की किरणें हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। सूर्य की जो किरणें होती है, किरणें हमारे, सूर्य की किरणें हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। जो सूर्य की प्रकाश की जो किरणें होती है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है और सर्दी जकड़न दूर चली जाती है। सर्दी जकड़न दूर चली जाती है। सर्दी जो होती है ना, ठंड, वो हमारी सर्दी जकड़न जो दूसते हैं, कांपते हैं, वो हमारी सर्दी दूर चली जाती है। इससे हमें विटामिन डी भी मिलता है। इससे हमें क्या मिलता है, विटामिन डी, सूर्य के प्रकाश से। इससे हमें विटामिन डी भी मिलता है। सूर्य से हमारे जग में मतलब संसार में, सूर्य से हमारे संसार में उजाला भी हो जाता है। पहली लाइन भी थी, अंधकार दूर होकर उजाला हो जाता है। सूर्योदय से हमें कई तरह के लाभ है। सूर्य की किरणें हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। सर्दी जकड़न दूर होकर, हमारी जो सर्दी है वो दूर चली जाती है, इससे हमें विटामिन डी मिलता है। सूर्य से हमारे जग में उजाला भी हो जाता है ना, पूरी तरह चारों तरफ उजाला ही उजाला हो जाता है, अंधकार दूर होकर उजाला हो जाता है। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट मैंने पहले वाले वीडियो में करा दिया था, अब ये क्वेश्चन सेकंड और थर्ड है। दिखाई दे रहा है सबको आपको, क्वेश्चन सेकंड और थर्ड कंप्लीट नोटबुक में करना है। ये करने के बाद आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा सूर्योदय वाला। फिर अपन क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 2 की ओर चलेंगे। समझ में आया दोनों क्वेश्चन आंसर, कर लोगे बच्चा पक्का? ठीक है, तो फिर डायरी एंट्री क्या करनी है आपको, चैप्टर 1 रीड, पहले आपको पूरा चैप्टर फर्स्ट वापस से रीड करना है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, समझ में पूरा आ जाए। ओके, वेरी गुड, थैंक यू बेटा।